आज हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में पहली बार ऐसे एक अनोखा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें सभी जाति धर्मों के सभी पार्टियों के जिसमें अलग अलग पार्टी के नेता लोग यहाँ पर आए, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं, उद्योगपति है, आम जनता आई है। स्वामी देवेंद्र भाई जी जो है उन्होंने यहाँ पे एक भाईचारा प्रोग्राम रखा है जिसमें देश में फिलहाल जो माहौल पैदा हुआ है उस माहौल की स्थिति को बदलने के लिए उनका एक छोटा सा प्रयास है ये, और उस प्रयास की मैं स्तुति करता हूँ, सराहना करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम देवेंद्र भाई जी ने यहाँ पर रखकर दुनिया को, भारत को ही सिर्फ नहीं तो दुनिया को एक रास्ता दिखाने की वो कोशिश करके देश में अमन और शांति पैदा होनी चाहिए, आपस में जाति धर्म के लोगों में आपस में भाईचारा पैदा होना चाहिए ताकि लोग मिलजुल कर रहे और देश में जो स्थिति पैदा हुई उस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने आज यहाँ पर जो प्रयास रखा उसकी मैं स्तुति करता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम सभी पार्टी के लोगों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक होकर हर महीने ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, मैं तो यहाँ पर कहूँगा। और इस प्रोग्राम की वजह से हम सब सभी जाति धर्म के आपस के बैर भूल कर आगे भविष्य में हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सभी जाति धर्म के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे और इस प्रयास का ज़रूर हमें उपयोग होगा, यही मैं आज के इस समय पर कहूँगा। देखिए आज के युग में जो कटोकटी चल रही है, हम सबसे बड़े आप छोटे, लड़ाइयाँ झगड़े, इन सबको मिटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक सहृदयता, एक भाईचारा, और भाईचारा तभी संभव है जब इंसान खुद अपने आप को समझे और बदले। अगर खुद ही दूसरों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। इसलिए यहाँ आता है योग। अगर हर व्यक्ति योग सीख ले, क्योंकि योग साइंस की तरह है, जैसे 2+2=4, उसमें कोई रिलीजन नहीं आता, वही बात योग की है। योग कोई रिलीजन तो है नहीं, जीवन कैसे जीना का उसका विज्ञान है। जो भी काम करो बिल्कुल ध्यान से करो, कॉन्सेंट्रेटेडली करो, शरीर को स्वस्थ रखो, मन को संयम में रखो, हमेशा सही स्थिति में रखो। तो ये सारी बातें जो योग में आती है, अगर हर इंसान करने लगे तो गलतियां करेगा ही नहीं, मारपीट का तो सवाल ही नहीं है। दुश्मनी नहीं रहेगी तो भाईचारा ही रहेगा, और इसीलिए हम सबको यही मैसेज दे रहे हैं आज के प्रोग्राम की वजह से कि अपने आप को समझो, खुद को समझो कि मैं कौन हूँ, और मैं जो हूँ अगर मैं समझ गई, और मैं अगर दूसरों से डिस्टर्ब होना मैंने बंद कर दिया कि दूसरे कुछ बोल रहे, गाली दे रहे और मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरे गलत बात बोल रहे और मुझे दुश्मनी आ गई, अगर मैं ये करना बंद कर दूँ और मैं कहूँ जो मुझे कहना, दूसरों से डिस्टर्ब नहीं होना है, अगर मैंने ये सीख लिया जो योग कहता है, तो सारी दुश्मनी सब खत्म हो जाएगा, सारे रिलीजन के झगड़े सब चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर इंसान खुद को समझने लगे, खुद को समझे, खुद का बैलेंस रखे, खुद का समत्वम की स्थिति रखे, तो सब कुछ सही होगा, और यही हम मैसेज देना चाहते हैं। जी वही तो बात है, जातिवाद तो सब खत्म ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो बात आती है वो है इंसानियत। हर इंसान अलग है, तो नेचुरली जब हर इंसान ही अलग है तो अलग अलग भाषा ही बोलने वाले हैं, मगर अगर मैं जो हूँ मैंने अपने आप को समझ लिया, और आप जो हैं आपको मैंने, आपके गुण मैंने देखे और आपसे भी सरलता की, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग तो हर व्यक्ति है, तो हर जातिवाद भी अलग अलग ही होने वाला है, तो उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसके और ऊपर पहुंचना है और अपने अपने आप को संभालना है, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। तो आज बस कोशिश करेंगे। तरह का महोत्सव हो रहा है, हमारे ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी ने जो ये आयोजन किया है, और इस आयोजन में हमारे चीफ इमाम ऑफ इंडिया उमेर अहमद एमएल इलियासी जी दिल्ली से यहाँ इस सम्मेलन में खास पधारे हैं, हमारे लंदन से गुरुदेव राज राजेश्वर जी यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हैं, हमारी बहन हंसा जी जिनके इंस्टीट्यूट में देवेंद्र जी ने योग का प्रशिक्षण लिया, और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दीक्षांत समारोह है ना, तो ये इस अवसर पर, और ये भाईचारा इस समय भारत में सर्वाधिक किसी वस्तु की जरूरत, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो सब जगह मेरा धर्म श्रेष्ठ है, है मेरी जाति श्रेष्ठ है, इसके लेकर के जो मारकाट मची हुई है, पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है, और मुझे लगता है आज का सम्मेलन उस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का काम करेगा।
क्योंकि हमारा भारत देश में जो बहुलतावादी संस्कृति है, जो अनेकतावादी संस्कृति है और सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे इमाम साहब भी और हमारे राज राजेश्वर गुरु जी भी और देवेंद्र भाई जी भी इस बारे में जो है अपनी बात को प्रस्तुत करें। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा आचार्य देवेंद्र जी भाई जी को, आचार्य योगेश जी को, गुरु जी राजेश्वर जी को और सभी ऑर्गेनाइजर सब को जो हमारी और तमाम सारे लोग जो जिन्होंने प्रोग्राम करके ये जो पैगाम दिया है, असल में ये काम नहीं है, ये इबादत है। असल इबादत इसी को कहते हैं जब सब लोग एक साथ इसको एक साथ लेकर चलने का एक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि किसी हमी को नहीं, सभी को देना चाहिए। आज वक्त की सबसे अहम जरूरत इसी का है। असल में हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हमारे जाति धर्म होते हैं। तो हम सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, इंसानियत को बनाए रखना चाहिए। आज पूरी इंसानियत का यहाँ हो रहा है, पूरी इंसानियत इज्जत की जा रही है, पूरी इंसानियत तबाह और बर्बाद हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर अमन हो, शांति हो, इसी के लिए ये सारा भाईचारा, चूँकि फेथ लीडर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनकी भारतीय अहमियत होती है। मैं सोचता हूँ कि ये सब मिलकर आज जो भाईचारा है पैगाम देना चाहते हैं, मुझे लगता है इससे संदेश इस मुंबई के जिले से निकलकर पूरे भारत और पूरे विश्व में पैगाम जाएगा। चूँकि आज जिस तरह से सभी लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे भारत भी मजबूत होगा, उनका भी मजबूत होगी, इंसानियत भी मजबूत होगी। आओ हम सब मिलकर इस कार्य को, इस इबादत को और बढ़ाएं। अब लंदन से आए हुए हमारे राज राजेश्वर गुरु जी इस अवसर पर सबको प्रणाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हमारे देवेंद्र भाई जी को भी मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि जो कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है उसका मूल उद्देश्य भाईचारा। भाईचारा का मतलब कई बार तो ये भी होता है कि पड़ोसी का पड़ोसी के साथ भी अपना मन मिलन नहीं होता, तो देश के साथ भी मन मिलन नहीं होता, अपने पति और पत्नी के बीच भी मन मिलन नहीं होता। तो ये संदेश के माध्यम से सबसे पहला कुटुंब, उसके बाद राज्य, राज्य के बाद देश, देश के बाद विदेश और विदेश के बाद पूरा विश्व ये भाईचारे के रूप में साथ में रहे, ये उद्देश्य लेकर के देवेंद्र भाई जी ने जो ये कार्यक्रम किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज जो यहाँ पर भाईचारा महोत्सव होने जा रहा है, जिसके लिए सभी धर्मों के शीर्ष धर्मगुरु पधारे हुए हैं, जो मूल रूप से अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, चीफ ऑफ इंडिया इमाम अहमद इलियासी जी पधारे हुए हैं, लंदन से राज राजेश्वर गुरु जी पधारे हुए हैं, दी योग डायरेक्टर श्रीमती हंसा जी योगेंद्र पधारे हैं। और इस भाईचारे महोत्सव से जो आज का कार्यक्रम है, मुख्य मुद्दा है जो आप सभी धर्मगुरुओं ने अपने अपनी राय बताई है कि भाईचारा हमारे देश में क्या अहम भूमिका निभा सकता है, आज भाईचारे की क्या आवश्यकता है। आज मैं समझ सकता हूँ कि जो भाईचारा महोत्सव यहाँ से होने जा रहा है, आज दुनिया को ये संदेश और ये पैगाम देगा कि आज भाई भाई से नहीं मिलता है, आज घर में आपसी तनाव हो रहे हैं, वो इसी कारण है कि आज हमारे घर में एकता नहीं है, शांति नहीं है। इसी को हम चाहते हैं कि हमारे देश में आयम हो, शांति हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, ये हमारा इस भाईचारे का उद्देश्य है जो आज सभी धर्मगुरु यहाँ पर संदेश देंगे। यहाँ पर चलो भैया, ध्यान व मेडिटेशन से मानव जीवन को नई ऊर्जा का संचार कर लिया है। बेसहारों को सहारा मिले, डूबे हुए को किनारा मिले, यही भावना श्रद्धेय भाई देवेंद्र जी की रहती है। मानव कल्याण की ओर सदैव प्रयासरत हैं भाई जी। भाई जी ने देश के मिलकर अपने जीवन को स्वर्णिम मुकाम की ओर ले जाने का साहस भी इकट्ठा किया है। अध्यात्म की
उस मानवता के संदेश के भाईचारे की आवश्यकता है जो आज हमको सबको अपने अंदर उस महान आत्मा के माध्यम से विराजमान करनी होगी। महान हस्ती जिनको पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व जानता है, अगर प्रभु से मिलन करना हो, अगर भगवान से मिलना हो तो एक वकील की आवश्यकता। भाईचारा ये शब्द बहुत अच्छा है और आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे भाई थे जो चारा खा के उनको उन्होंने अपना दौर गुजारा है, लेकिन अब कोई भाई चारा नहीं खाएगा, सब दोस्ती यारी से भाईचारे से रहेंगे। ये इस कार्यक्रम का मैसेज है और ये बहुत ही नेक मैसेज है, बहुत सही मैसेज है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर मिल जाए तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है खुदाई। ओके, क्या आप मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है, कायदे आज़म वर्सेज़ फ़ायदे आज़म, हर आदमी कह रहा है कि कोई कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हमारे लिए ऐसे थे, कोई कह रहा वैसे थे, तो वो विद्यार्थी भी विद्या की अर्थी निकालने में लगे हुए हैं, MOU लिखवाने में लगे हुए हैं, MOU BHU वाले तो लगे, JNU वाले भी लगे थे, अब MOU वाले भी कुछ लिखने में लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आज देश में ये फैशन हो गया, सोशल मीडिया इतना आगे आ गया, हर एक को अपना प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो प्लेटफॉर्म इसलिए मिला है भाइयों कि उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ो और मंजिल पर पहुँचो। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होगे तो गाड़ियाँ छूटती जाएगी और एंड में आपके पास में कोई नहीं आएगा। ये जितने नेता, मैं किसी पर्सनल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जितने नेता आपको भड़काते हैं ये फला है ये फला ये फला है, दरअसल ये आपके झगड़े पे अपनी रोटी सेकते हैं और आपका जो रोटी का मुद्दा है वो साइड में रह जाता है। कोई इसके लिए लड़ रहा है, कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा है, कोई रक्षण के लिए लड़ रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के लिए लड़ रहा है, रोटी के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा है। रोटी कपड़ा और मकान मुद्दा बाहर ही रह गया और नेता को तो यही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है अब हमें इससे ऊपर उठना चाहिए कि थोड़ा सा और आगे सोचे, थोड़ा सा बेहतर सोचे, थोड़ा सा और अच्छा सोचे, क्योंकि आपस में लड़ते रहोगे तो देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम सब यूं ही लड़ते रहे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके देश से हमें निकालेगा, दीवानों हो शुक्रो मेरे देश प्रेमियों। जब अपना कमाना है अपना ही खाना है तो भाई तू क्यों किसी नेता का दीवाना है? समझिए, अगर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, लास्ट कब बात की उनके बारे में? कपिल शर्मा जो है, अभी दो ही चीज़ें बहुत गर्म है, एक सूरज उसका कपिल शर्मा, दोनों है बहुत गर्मा और इस दोनों की वजह से हम सब बसे हुए गर्मा, एक तो कपिल का शो देखने के लिए और दूसरा सूरज से बचने के लिए। मगर लालवानी तेरे पोर्टल का क्या हुआ, फायदा हुआ पैसा कमाया, पब्लिसिटी तुझे मिला, लालवानी सिंधी के नाम पे चिंदी हो गया तू चिंदी। कॉमेडियंस को परेशान मत करो, कॉमेडियन दुनिया को हंसाते हैं, परेशान करना तो उनको करो जो दुनिया को बुलाते हैं, समझे? दुनिया को बुलाने वाले खत्म हो जाएंगे तो रोना खत्म हो जाएगा, हंसाने वाले खत्म करके तो हंसना खत्म हो जाएगा, फैसला आपके हाथ में। आशी आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ही है नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक ही है नारा, तरक्की तभी होगी जब हम में होगा भाईचारा। सीढ़ी का विमोचन यह हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा मीडिया को सभी को, आप इसका जरूर तुमसे लागी लगन। इस एल्बम का नाम तुमसे लागी लगन। यहाँ एक विमोचन और है आदरणीय पूज्य लोकेश मुनि जी के साथ, एक महान शिक्षक हमारे बीच में, पहचान गए क्या?
बोलो कौन, पहचान कौन? सुनील पाल हमारे बीच के अंदर है जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है, सुनील पाल जी भी हमारे साथ में है इस विमोचन के अंदर। आदरणीय हरीश जी जैसा से निवेदन करूंगा, आ गया है वो, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जरोड़ा साहब को तालियों के साथ आपकी मीठी मीठी तालियां इस स्वागत को आगे बढ़ा रही है। रिजवान साहब से निवेदन करते हैं ये आवाज हमेशा के लिए जिंदा रहे और हम सबको प्रभु भक्ति से जोड़ती रही आवाज। आदरणीय अनूप जी, एनजीओ पहुंच जाते हैं, दुनिया में जो मिला है वो यहीं देके जाना है, जब जब अवसर मिले तो अपना योगदान देने आ जाना चाहिए, हर एक को आ जाना चाहिए। पर आजकल बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों में बहुत सारे अफवाहें उड़ रही, जैसे कि अभी हाथ में जेलियों में चल रहे, बहुत जगह चलिए, ये सब चीज़ों में चलने दीजिए, मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं और ना ध्यान दीजिए, ना पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव कदर बढ़ रही है, इस कदर आप यकीन माने देश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें हमें नफरत को कहीं ना कहीं कम करना होगा, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि आज देवेंद्र भाई जी ने और हमारी माता श्री, मैं तो माता श्री हंसा जी ही कहूँगा कि इनकी ही, और सभी आप सबके प्रयास से आज इस मौके पर यहाँ हमने भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की है। मैं अपनी एक नसीहत करके बात को ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों एक नसीहत है, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, भाईचारा है यही असल है। इस भारत के अंदर 2 सालों के अंदर 70,000 डेथ हुई है एम्बुलेंस के अंदर। आप यकीन माने चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं राज्य राजेश्वर जी, यहाँ बहुत सारी जगह हमारे यहाँ ट्रैक नहीं है एम्बुलेंस के लिए, जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है और जाम की वजह से उस एम्बुलेंस में ही 70,000 डेथ हमारे इस देश में हुई है। मैं आप सबसे एक नसीहत कर रहा हूँ चीफ इमाम होने के नाते, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जब एम्बुलेंस निकल रही है, चीख रही है, दर्द है उसके अंदर, कोई तकलीफ में है उस एम्बुलेंस के अंदर, और वो गुजर रहा है, सबसे पहले उसको जगा देंगे आप एम्बुलेंस, उसके बाद 2 मिनट ईश्वर से, अल्लाह से, परमात्मा से हाथ उठा दो 2 सेकंड का, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी शख्स जो भी इसमें जा रहा है उसे शिफा दे दे, उसकी सेहत की दुआ करो। आप यकीन मानना सिर्फ आपका ये हाथ उठाना निस्वार्थ, जब किसी के लिए आप दुआ मांगते हैं ना वो उसको जरूर लगेगा, ये मेरा यकीन है। चूंकि हम निस्वार्थ मांग रहे हैं, उसमें औरत जा रही है, मर्द जा रहा है, बच्चा जा रहा है, कौन जा रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि इंसानी भाई कोई हमारा बहन जिसमें जा रही है, जब निस्वार्थ किसी के लिए दुआ मांगी जाती है आप यकीन मानना वो जरूर ठीक होगा और उसके बदले हम सबको बहुत नेकी मिलेगी। एक दिन हम भी उस एम्बुलेंस में जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं और हमारे लिए कोई निस्वार्थ दुआ मांगे, इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है। तो इस अमल को अपने जीवन में जरूर उतारें, हॉस्पिटल जाएं, जरूर जाते होंगे अपने उन लोगों को मिलने के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड हाथ ईश्वर से उठा के हॉस्पिटल में जितने भी लोग हुआ करें उनके लिए दुआ जरूर मांगा करें। ये नेकियां हैं दोस्तों जो हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए। जेल से गुजरे, जेल कैदखाना है, अब वो गुनाहगार है बेगुनाही हमें नहीं मालूम, इंसान है, गलतियाँ होती हैं दोस्तों, किसी का मजाक ना उड़ाना। जेल में तकलीफ में है, 2 मिनट ईश्वर से उसकी दुआ करना, जो भी जेल में है उसकी रिहाई के लिए, ये नेकियाँ होती हैं। इसी तरह शमशान से गुजरे, कब्रिस्तान से गुजरे, उसकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। ये छोटी छोटी नेकियाँ हैं जो हमें अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे ना, हम सच बता रहे आपको उसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इमाम साहब की कोशिश पूरे हिंदुस्तान की
आवाम को हम लोग कोशिश करेंगे और चलते हैं। जिस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। इससे अच्छा नहीं हो सकता दुनिया में नजारा, इससे अच्छा नहीं हो सकता है दुनिया में नजारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मांग रहे हैं भाईचारा। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका चारा एक ही है, भाईचारा। मनुष्य अगर प्राणी है तो उसका भाईचारा होना चाहिए। भाई हरीश जायसवाल जी ने इस बात को समझा और उन्होंने इतने पावन स्टेज पर मुझे आने का जो सौभाग्य दिया। हरीश भाई, भगवान आपके बाल बच्चे सुखी रखे, ओरिजिन वाले, ठीक है? नहीं, ये भी बहुत प्यार बांटते रहते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि सुनील पाल तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं, कभी हिंदू कभी सिख कभी ईसाई कभी मोमेडियन हो, मेरा मजहब है हसाना, मैं सिर्फ कॉमेडियन हूं। आइए, जो लोग अभी आ रहे हैं उनका भी गलत मजहब है, देर से आना जल्दी जाना ऐसा है, ठीक नहीं, बैठाइए। उनकी इनका कॉन्फिडेंस देखिए, सबसे पीछे आते सबसे आगे बैठते हैं। पीछे लोग से, मैं तो सबसे पहले आया था, मैं अभी पीछे हूँ, दलित हूँ क्या? लेकिन आजकल दलित लोगों को भी काफी अच्छा सुरक्षा मिल रही है। क्या होता है उसको, मैंने देखा वो आरक्षण मिल रहा है, वेरी गुड, कितने जल्दी जबान पे आ गया। मैं देखा ट्रेन में, लोकल ट्रेन, लोकल डब्बे में एक आदमी ऐसा एकदम एस के आकार से खड़ा हुआ है, फिल्म फेयर अवार्ड की तरह, इतनी भीड़, जनरल कंपार्टमेंट। उसको जनरल कंपार्टमेंट इसलिए बोलते हैं कि उसमें जनरल मेजर या फौजी जा सकता है, इतना ऐसा दबाव हुआ। मैंने कहा भाई अच्छे घर का लगता है, तूने रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? बोले आई डोंट लाइक रिजर्वेशन। मैंने कहा क्यों? बोले रिजर्वेशन के नाम पर आदमी अपनी जात दिखा देता है। बोले नाम क्या तेरा? मैंने कहा तेरा नाम क्या? बोले हार्दिक। उनका पटेल बोले नहीं अग्रवाल। ये भी अपना एक अलग अंदाज है। लोग जो लोग आ रहे हैं जुड़ते जाइएगा, मैं थोड़ा सीरियस बातें कर रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, मुझे पता है, मैं थोड़ा लाइट की तरफ जाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा एक बार ताली भी बजा के मूड बना दीजिए, माहौल बना दीजिए। ये हमारे एंकर साहब हैं, मैंने बोला था कि मुझे एंकर रख लीजिए, तो जायसवाल साहब ने मेरे मुँह पे कहा हमें एंकर जी भयंकर नहीं। तो आप लोग बड़े खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही प्यारे और सुंदर लोग हैं, ये पैदाइशी सुंदर लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। कुछ लोग पैदाइशी बसरूप पैदा होते हैं। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? लेकिन बच्चा कितना ही पैदाइशी बसरूप हो, माँ बाप के लिए बड़ा खूबसूरत होता है। माँ बाप जो है, माँ बाप उनको बड़ा खूबसूरत मानते हैं। गलत फहमी तब टूटती है जब वो लड़का किसी सुंदर लड़की को प्रपोज करता है और लड़की मुंह पे उसकी इंसल्ट करती है। इस कविता में सुना रहा हूं, सुनिएगा। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, डॉक्टर साहब। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है, ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने, वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। वाह, मुझे एलियंस कह गया था, आप हंस रहे हो, होता है, लेकिन खुश आप लोग हंस रहे हैं, यही बड़ी बात है, क्योंकि हर मजहब में ये कहा गया कि सबसे बड़ा मेडिसिन जो है वो लाफ्टर है। घर से मस्जिद है, दूर चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, तो आप हंसाते रहिए, हंसते रहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ मीडिया वाले कॉन्फिडेंस के पीछे पड़े हुए, उनको खत्म करने के पीछे पड़े हुए, फिर गालियां सुनते हैं, नहीं करना चाहिए ना। जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रुला रहे हैं उनको खत्म करो, जो रुलाने वाले उन्हें खत्म करो, दुनिया से रोना खत्म हो जाएगा। आप कॉमेडी को खत्म करोगे तो कॉमेडी हंसना खत्म हो जाएगा, तो ये तो आप उल्टा ही कर रहे हो। तो जो कॉमेडियन अगर गलती भी करता है, कुछ करता है, तो उसे सुधारो, समझाओ, प्यार करो, उसे ठीक करो, उसे फिर से खड़ा करो ताकि वो हंसा सके। और अब आइए एक म्यूजिकल आइटम पेश कर देता हूँ आपके सामने, एक छोटा सा आइटम है, उसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा। सारे महान जो पर्सनलिटीज यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे महान हस्ती के सामने परफॉर्म करना, ये भी अपने आप के लिए एक ऑस्कर अवार्ड से का फील आता है मुझे लग रहा है। मैं आज
सर जी भी साथ में बैठे हमारे, सुशील जी के लिए जोरदार तालियां। क्राइम पेट्रोल में कई बार देखा होगा इनके साथ में, कई कई बार काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोरदार मूड में ताली बजाती जोर मूड में है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ म्यूजिकल आर्टिस्ट पेश करने की, 5 मिनट आपके साथ में हूँ। प्लीज मुझ पर ध्यान दीजिएगा, इस वक्त सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे कोई मैसेज आया तो प्लीज मत ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मोबाइल पे ध्यान देना ही है तो सुनील पाल की चौपाल ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी बात रह जाए और मेरी बात रह जाए, ठीक है। आजकल गाने देखे कैसे आगे, एक जमाने के गाने थे किशोर कुमार, रफी साहब, मुकेश जी, क्या गाने गाते थे, दिल से गाते थे, उनके गानों में फील था। आजकल वही गाने रिमिक होकर आ रहे, रिमिक्स होके आ रहे, और ऐसा सिंगर से गवाया जा रहा है जो शायद हो सकता है कि आईसीयू में बीमार है। उनका गाना कितना बढ़िया लगता था, इनका ऐसा जैसे किसी इनको किसी ने शराब दिया, जा तेरा गाना खराब हो। किशोर दा का गाना था, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे अपना बना लूंगा। अब यही गाना रिमेक हो गया है, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। तो पहले इलाज कर ले, इतनी जल्दी क्यों गाने तेरे को। एक गाना था सदमा फिल्म का, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कितना अच्छा गाना। आज का ये गाना सुनो, ये गाना सुन के सदमा लगेगा आपको, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, ऐसा गाएगा जिंदगी मौत भी गले नहीं लगाएगी। सब एक से बिखरे गाने आते, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर, अरे बुखार आया है, प्यार नहीं है बुखार आया है, इतना चेंज हो गया है। एक गाना मैंने सुना हो, एक लड़का गा रहा था, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दबा दूंगा, और आजकल की लड़कियां बड़ी होशियार समझ गई अमीर आदमी है, क्योंकि एक जमाने की लड़कियां बड़ी बेचारी सीधी लड़कियां थी, उनको उनको आप लड़कियां पूछती थी कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है क्या, उसी में खुश हो जाती थी। लेकिन आजकल लड़कियां समझदार, सीधा पूछती है आपका फेसबुक के अलावा भी कहीं अकाउंट है क्या, और आदमी बोलता है, मैंने कहा प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो बैलेंस। आज बाबा रामदेव जी यहाँ पर आने वाले थे, हरीश जी ने बुलाया था उनको, 4 बजे का टाइम दिया था, वो सुबह आके चले गए, क्योंकि उनका तो वही टाइम है ना, 4 बजे का, 4 बजे आके चले गए। तो गाना था बस 2 मिनट, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दवा दूंगा, लड़की फिदा, शादी हो गई, अब लड़की को लेके गए गांव में, खेती बाड़ी करा रहा है उससे। लड़की बोली, अरे तुमने तो मुझे कहा था कि रानी बनाऊंगा, गाना तूने क्लियर सुना नहीं, मैंने कहा बन जा तू मेरी रानी तुझे मैं हल दवा दूंगा, तुझे मैंने हल दिया है, मैं हल दवा दूंगा, बन मेरी रानी रानी पेड़ों को डाल पानी पानी, मत बन शानी शानी मैं नहीं अंबानी। तो आज का दिन जो है बड़ा पावन है, और कल वर्ल्ड लाफ्टर डे है, तो मैं कहता हूं वर्ल्ड लाफ्टर डे को साल में मनाने की जरूरत नहीं है, एवरी डे एवरी आफ्टर डे इज अ लाफ्टर डे, एवरी डे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनील पाल की चौपाल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रात को सपने में मोदी जी आएंगे और नई नोट भी कैंसिल कराएंगे। मित्र, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगले साल इस प्रोग्राम में आऊंगा और आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। अनिल मोरल का साहब जो हमारे खास मित्र बैठे हैं, हैंडसम मैन, मैं ऋषि कपूर कहता हूँ जवानी के, ये जवान है वो ऋषि कपूर, कभी जल्दी से नॉट आउट है। सभी सभी को धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, कई त्रुटियों से फिर से बार माफी चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां, एक बार मेरे साथ में नारा लगाइए, भारत माता की जय। मेरे को एक सब्जेक्ट याद आते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है अन्ना हजारे, क्योंकि उन्होंने अनशन किया, क्यों किया कोई बता सकता है क्यों किया, क्योंकि वो कुंवारे हैं, घर में पत्नी नहीं,
पत्नी नहीं तो खाना नहीं, जब खाना नहीं तो अनशन तो होगा, तो अनशन करो। धन्यवाद, थैंक यू। विश्व भारती दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में जियो और जीने दो की बात को कहने वाले, आत्मा से परमात्मा बनाने वाले पूज्य लोकेश मुनि जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा खड़े होकर सम्मान करेगा प्लीज, बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू विराजे, और चलते हैं पूज्य लोकेश मुनि जी के पास। मंच पर मेरी दाई और उपस्थित चीफ इमाम आदरणीय भाई इमाम उमेर इलियासी जी, मेरी दाई और लंदन से पधारे राज राजेश्वर गुरु जी, आदरणीय देवेंद्र भाई जी, कमल मोरारका जी, सुनील पांडे जी, हमारा जैन समाज का गौरव भाई चंपालाल जी वर्धन, हमारी बाई और ममता की मूर्ति जिन्होंने योग को मूक रह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा दिलाई है, ऐसी बहन हंसा जी, भाई आदित्य जी, पॉल जी, शुक्ला जी, और अभी अभी हमारे बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उपस्थित बंधुओं और बहनों, भाईचारा महोत्सव का आयोजन जब इस्कॉन टेंपल के पवित्र प्रांगण के इस ऑडिटोरियम में हो रहा हो, तो मैं अपनी बात का शुभारंभ भगवत गीता के उस श्लोक से करना चाहूंगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनोधर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मवे। और इस श्लोक पर जब टीका लिख रहे था महाराष्ट्र का एक महान सपूत जिसे हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने इस श्लोक की लिख से हटकर के व्याख्या की, और ये व्याख्या मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाईचारा महोत्सव ये कैसे सफल हो सकता है, और आज भाईचारा के अंदर जो दरार आ रही है, चारा तो वर्षों पहले राजनीतिज्ञ चर गए थे, किंतु अब तो भाईचारा के चारों के चरने की जो तैयारी हो रही है, उस चीज का समाधान योगीराज कृष्ण का ये जो गीता जी का श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनोर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। और लोकमान्य तिलक जी ने लीक से हटकर के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा, उन्होंने कहा, उन्होंने अर्जुन को अध्यात्म का प्रतीक माना, उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक माना, और ये कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, समन्वय है, वहां पर विजय है, लक्ष्मी है, भूति है, श्री है। आज भाईचारा के बीच में दरार क्यों आ रही है कि अध्यात्म और भौतिकता के बीच में जो संतुलन होना चाहिए था वो संतुलन दरकता जा रहा है, सिरकता जा रहा है, और इसीलिए हमारे मनीषियों ने उपनिषद में भी कल्पना की गई पुरुषार्थ चतुष्टयी की, बहन अंसा जी जानती है पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। मंच पर जो ये धर्माचार्य उपस्थित है, इनका अर्थ और काम से कोई विरोध नहीं है, धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं है, पर धर्म का क्या कहना है कि जहां पर अर्थ और काम धर्म से अनुप्राणित होते हैं, इन चारों के बीच में जहां संतुलन होता है, वहां पर हेल्दी सोसाइटी का, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। आज विकृतियां इसलिए बढ़ती जा रही है कि अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगी हुई है, धर्म और मोक्ष को भुला करके।
तो सबसे पहले जैसे बहन हंसा जी ने कहा था कि हम अपने आप को जाने, हमारी चेतना के तीन स्तर हैं। हर एक के अंदर स्वार्थ की चेतना भी विद्यमान है, परार्थ की चेतना भी है और न्यूनाधिक रूप में परमार्थ की चेतना भी है। जब तक इन तीनों के बीच में संतुलन रहता है, आर्थिक नगरी मुंबई अर्थ की भाषा जानती है, थोड़ा सरल शब्दों में अगर कहूं स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा तेरा सो भी मेरा, यह है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। किंतु परमार्थ का अर्थ है, ये देवेंद्र भाई जी ये महोत्सव क्यों कर पाए, इन्होंने वर्षों पूर्व घर को छोड़कर के परमार्थ के लिए 1313 मेरा सो भी तेरा, ये जब भावना प्रकट होती है परमार्थ की भावना, तब जो है स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। किंतु बंधुओं और बहनों, आप और हम सभी जानते हैं, जब जब स्वार्थ प्रबल होता है तब परमार्थ की बात सुनाई और दिखाई देती नहीं है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, हेलो मैं वो राजू भाई को भेज रहा हूँ 500,000 रुपए दे देना। तो कहता हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। इसने कहा रे मैं राजू भाई को भेज रहा हूँ 500,000 रुपए दे देना जो मैंने दिए थे। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अभी आजकल का मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 500,000 रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे देता। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तब परार्थ और परमार्थ की बात सुनाई और दिखाई नहीं देती। भाई अंसा जी ने क्यों अपना सारा जीवन समर्पित कर लिया, ये अफ्रीका में रहने वाला क्यों इतना एनजीओ चला करके काम कर रहा है, ये राय राजेश्वर गुरुजी लंदन में रह करके, इमाम साहब और हम न जाने कितनी बार कर्फ्यू के बीच में मुजफ्फरनगर करेना जान को जोखिम में डाल के, अगर याद हो कहा गया था क्यों नहीं सल्टा लेते, इनको क्यों लिए घूमे जा रहे हो, उन परिस्थितियों में काम करते हैं। क्या जरूरत थी देवेंद्र भाई जी को, एक महीने से पसीना बहा रहे हैं कि मैं इस्कॉन टेम्पल को भर के बड़ा अच्छे से कार्यक्रम करूं। कमल मोरारका जी क्यों अपनी तिजोरी हर समय खाली रखते हैं, कहते हैं कि लोकेश मुनि जी कभी भी कोई काम हो पूछने की जरूरत नहीं है, है? ये चंपालाल वर्धन जी हालांकि दिल्ली आश्रम आना अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दूर बैठे भी जुड़े रहते हैं। सामने न जाने कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए जो हैं, मैं किन किन का नाम लूं, गणपत कोठारी का लूं, कांति मेहता का लूं, हमारे इनका सामने हमारी श्राविकाएं बैठी है जो गीतों में बड़ा काम करती है, कोकिला जवेरी का लूं, प्रधान जी का लूं, संगीता का लूं, किन किन का मैं नाम लूं, सुदर्शन जी का लूं, है ना। ये सारे क्यों, इसके पीछे एक ही भावना है बंधु और बहनों, हमारा भारत देश जो है ये बहुलता वाली संस्कृति का देश है, अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है और उस संस्कृति की संरक्षा संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। ये राजनेता जब जब भी चुनाव आएंगे सांप्रदायिक कट्टरता को जातिवादी जुनून को उभारेंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, किंतु स्वार्थ को आपको और हमको सबको मिलकर के सफल नहीं होने देना है और समाज को एकजुट बनाए रखना है। इस्कॉन टेम्पल का ये संदेश आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, फ्रांस, रशिया, है ना, चाइना, अमेरिका, कोरिया करते हैं, तब समस्या बढ़ती है। उसके लिए सबसे पहले हमारी भावधारा कैसे पवित्र बने, हमारी भावधारा कैसे निर्मल बने, क्योंकि हमारे यहां धर्म का अर्थ ही सोई उज्जुज भूष्ट दम्भो शुद्ध सचिट ही। भगवान महावीर ने कहा धर्म क्या है, जो ऋजुभूत है, जो सरल है, जो पवित्र है, जो निर्मल है,
ये निर्मलता अगर हमारे भीतर नहीं है, अगर सम्यक दृष्टिकोण नहीं है, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, दृष्टि के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। एक छोटे से रूपक के माध्यम से एक मेला लगा हुआ था, एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे स्वामी जी की तरह का आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है, हिंदू सन्यासी थे, तो किसी ने कहा चिड़िया का अच्छा और बुरा बोलना क्या, चिड़िया तो बोले नहीं 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 आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ राम लक्ष्मण दशरथ राम लक्ष्मण दशरथ। तो वहां से एक मौलवी जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुबान तेरी कुदरत सुबान तेरी कुदरत सुबान तेरी कुदरत। तो वहां पर एक किराने का व्यापारी था, उसने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक हल्दी मिर्च ढकरक हल्दी मिर्च ढकरक। वहां से एक सब्जी वाला गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक गाजर मूली अदरक गाजर मूली अदरक। वहां से पाल जैसा एक पहलवान गुजर रहा था, उन्होंने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, वो तो कह रही है दंड मुद्गल कसरत दंड मुद्गल कसरत दंड मुद्गल कसरत। कहने का अर्थ जाकी रही भावना जैसी, जैसी हमारे भीतर भावना होगी, जैसा चश्मा लगा होगा वैसा हमें दिखाई देना होगा। आज अपेक्षा है हमारी भावधारा कैसे पवित्र हो, और उसका सशक्त कोई माध्यम है वो है मेडिटेशन। ये हमारा शांता कुंज का योग इंस्टीट्यूट जो है वो इसी चीज को सिखाता है कि भीतर में जब तक हम सरल नहीं होंगे ऋजु नहीं होंगे निर्मल नहीं होंगे, होठों से हम और कुछ कहेंगे लेकिन करेंगे और कुछ। आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है, दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है, दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है जीवन व्यवहार में, आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। तो बंधुओं, हम विरोधाभासी जीवन ना जिए, हमारी कथनी करने की जब तक समानता नहीं होगी, हम कितने ही ड्रामे कर लें कितने ही नाटक कर लें कितने ही कार्यक्रम कर लें, सबसे पहले जीवन में कथनी और करनी की समानता का अवतरण हो। आज अगर कोई अपेक्षा है वह अपेक्षा ही यही है, धर्म के क्षेत्र में भी। धर्म के तीन आयाम होते हैं, उपासना नैतिकता और अध्यात्म। आज हुआ क्या है, केवल उपासना कोई ही धर्म मान लिया, मंदिर में गए घंटा बजाया प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो समदर्शी है नाम तुम्हारो चाहे तो पार करो, और समझते हैं आज के पाप सारे साफ और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। मुनि महाराज के गए चरण स्पर्श गए या गंगा में डुबकी लगाई। बंधुओं और बहनों, जीवन में महत्वपूर्ण है धर्म का दूसरा आयाम, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। आज अपेक्षा है हम धर्म को अध्यात्म से जोड़े, हम धर्म को समाज सेवा से जोड़े, हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाए। आज हमारे इमाम साहब जिस सर्वधर्म संसद की बात कर रहे थे, हम लोगों ने मिलकर के दिल्ली में एक ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया। हम देखते हैं ये राजनेता जिनको हम कोसते हैं, लड़ते हैं टीवी पे देखते हैं तो पार्लियामेंट में है ना, फिर भी देखिए ये कभी 15 20 25 दल मिलकर के कभी एनडीए के नाम से कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5 10 15 साल तक साथ में सरकार चला लेते हैं, तो हम सभी धर्मगुरु मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकते। अलग है, बाकी तो सब समानता है।